हेलो, आज की स्टोरी है एक गॉडेस और एक मंकी की। एक बार एक गॉडेस अर्थ पे आई और वो पहुंची एक जंगल में। जंगल में जाकर गॉडेस बोली, आज मैं उस जानवर को प्राइज दूंगी जिसका बेबी सबसे ज्यादा सुंदर होगा। सारे एनिमल्स बड़े ही एक्साइटेड हो गए, अपने अपने बेबीज को लेकर एक जगह पर इकट्ठे हो गए। अब गॉडेस आई और सारे जानवरों को और उनके बेबीज को देखने लगी। जब वो मंकी और उसके बेबी के पास आई तो उसने नाक बहुत सिकोड़े और कहने लगी, छी, वो कैसे चपटे नाक वाला अगली बेबी है, कितना गंदा दिख रहा है ये बेबी। लेकिन उसकी माँ ने जैसे ही ये सुना, उसे इतना प्यार करने लगी और कहने लगी, तू बिल्कुल बुरा ना मानना, तू दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है, तू मेरा इतना अच्छा बच्चा है, तू सबसे सुंदर है। ये जो कह रही है बिल्कुल सही नहीं है, तू बिल्कुल बुरा मत लगाना, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूं और तुझसे सुंदर इस दुनिया में कोई बच्चा नहीं है। यानी कि बच्चों, माँ के लिए उसके बच्चे से सुंदर कोई नहीं होता, और माँ से ऊपर एक बच्चे के लिए कोई भी नहीं है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।